एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी कुछ समय से बहुत रियलाइज हो रही है, अभी लगभग हर आदमी थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है सोशल मीडिया से, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, पैसा भी है लोगों के पास, नाम भी है लोगों के पास, कनेक्शन भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है, एक संकेत है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति विशेष अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहा है और अपनी अपनी कहानी बुन रहा है। अब पैसा, प्रसिद्धि, नाम, फेम, नेटवर्क सब कॉमन अगर हो गया है, अच्छे कपड़े पहनना कॉमन हो गया है, फोन आईफोन कॉमन हो गया है, अच्छे जूते कॉमन हो गया है, अच्छा दिखना कॉमन हो गया है, बड़ी बड़ी कैफेज, चाय की दुकानों में पीना खाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना, फ्लाइट्स में बैठना कॉमन हो गया है, तो अनकॉमन क्या है? अनकॉमन बचा है व्यवहार, अनकॉमन बचा है भाव, अनकॉमन बचा है चरित्र। चरित्र का निर्माण व्यवहार का होना, भाव विभोर होना, ये चीज मिसिंग होती है लोगों में। तो अब आप कॉमन, हम तो एक धरातल पे आ गए, कार से, गाड़ी से, बंगलों से, हवाबाजी से, आईफोन से, यू नो, फ्लाइट से, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, विदेशों की ट्रिप से, ये कॉमन हो गई है। तो अगर ये सब चीज कॉमन हो गई तो आप फिर सोच रहे होंगे कि अब क्या बचा या कैसे और आगे बढ़ूं। तो दो तीन चीजें जो मैंने पहले बताई, चरित्र का निर्माण बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका व्यवहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका भाव, आप जब लोगों से मिलते हो, किसी भी जाति समाज बिरादरी का हो, उसकी उम्र बूढ़ा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जवान हो, किसी भी जेंडर का हो, रेंडम हो, जानकार हो, जानता पहचानता ना हो, दुश्मन हो, आपका नुकसान करके बैठा हो, जो भी हो, उसके साथ आपका बिताया हुआ ऑफलाइन फिजिकल बिना टेक्नोलॉजी के समय का पल, आपका भाव, आपका व्यवहार, आपकी आपके उसके प्रति एक आदर, एक सम्मान, आपका उसके प्रति मदद करने का नियत, नियत भी बड़ी जरूरत है। तो चार पांच छह चीज लोगों में कॉमन लानी चाहिए, वो है व्यवहार, चरित्र, व्यवहार, चरित्र, नियत, नियम, नीति, अनुशासन, भाव और कृतज्ञता। कृतज्ञता भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दो चीज जो मैंने बहुत ज्यादा सीखी है अभी जिंदगी में, वो है कि आपके साथ में जो भी कोई व्यक्ति मिले, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, मिडिल हो, वो अपने आप को कभी छोटा, असहाय और ऐसा मायूस, डिफेंसिव महसूस ना करे। क्योंकि बड़ा आदमी सच में वही है जो अपने आसपास में, अपने नज़दीक में किसी भी व्यक्ति को छोटा महसूस होने ना दे। तो ये लर्निंग मैंने सीखी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।